सो फाइनली कल रात को 9:36 पर शाहरुख खान ने अपनी अपकमिंग मूवी जवान के टीजर का अनाउंसमेंट कर दिया है, जो 10 जुलाई को आने वाली है। और इसके अनाउंसमेंट के न्यूज के साथ ही उन्होंने एक यूनिक डायलॉग का यूज किया है, मैं पुण्य हूँ या पाप हूँ, मैं भी आप हूँ। अब इस डायलॉग को लेकर फैंस में कंट्रोवर्सी चल रही है कि इस मूवी में SRK हमें डबल रोल में दिख सकते हैं, जिसमें से एक रोल अच्छा वाला और एक बुरा वाला, में भी ये हमें देखने को मिल सकता है। पहले इस ट्रेलर को टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल डेड रॉकिंग पार्ट 1 के प्रीमियर के साथ ही सिनेमा घरों में दिखाया जाता, बट कोई नहीं देर आए दुरुस्त आए। SRK की पिछली मूवी पठान ब्लॉकबस्टर रही और जवान को लेकर तो फैंस पठान से ज्यादा एक्साइटेड हैं। अब बात करते हैं कि हमें इस ट्रेलर से क्या क्या उम्मीदें रखनी चाहिए और ट्रेलर में हमें क्या क्या देखने को मिल सकता है। पठान के साथ ब्लॉकबस्टर सक्सेस मिलने के बाद शाहरुख खान इस साल एटली द्वारा डायरेक्टेड जवान के साथ दूसरी बार स्क्रीन पर ब्लॉकबस्टर कमबैक करने के लिए तैयार हैं। जवान का जो ट्रेलर आने वाला है, CBFC की वेबसाइट पर बताया गया है कि जवान के इस ट्रेलर का रन टाइम 2:15 का होने वाला है। क्या जवान का ट्रेलर रिबेल स्टार प्रभास के सलार के टीजर का रिकॉर्ड तोड़ पाएगा? सलार का टीजर ने YouTube पर अपलोड होते ही तहलका सा मचा दिया था और 24 आवर्स के अंदर में 83 मिलियन व्यूज और 1.672 मिलियन लाइक्स लेकर आया था और इंडिया में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला टीजर का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। अब शाहरुख खान के जितने भी फैंस हैं वो जवान को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं और वे सभी चाहते हैं कि वो जवान ट्रेलर को इंडिया का मोस्ट व्यूअर ट्रेलर बनाना चाहते हैं और वो 24 आवर्स में 100 मिलियन क्रॉस करवाना चाहते हैं। जवान में हमें शाहरुख खान के अलावा और कौन कौन से स्टार देखने को मिलेगा जो प्रोबेबली पहली बार एक दूसरे के साथ काम कर रहे होंगे? इसमें विजय सेतुपति, नयनतारा, सानिया मल्होत्रा और प्रिया मणि देखने को मिलेगा। जब एक साथ मंच पर शाहरुख खान और विजय सेतुपति होंगे तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि भाई साहब कितना ज्यादा मूवी में भौकाल मचने वाला है। प्रोबेबली यदि विजय सेतुपति हमें मूवी में विलन के रोल में दिखे तब तो पूरे थिएटर में तबाही आ जाएगी और मूवी तो ब्लॉकबस्टर होनी ही है जब ऐसे ब्लॉकबस्टर एक्टर्स देखने को मिलेंगे, तो कोई भी बिना मूवी देखे रह ही नहीं सकता है। अब जवान के ट्रेलर को रिलीज होने में 24 घंटे से भी कम का समय बचा है। जवान हमें 7 सितंबर को देखने को मिलेगा। वैसे पहले ही इस मूवी ने बहुत ज्यादा देर कर दी है, बट अब और नहीं, फैंस भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं। मैं तो इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इस पे तुम सबका क्या रिएक्शन है कमेंट में बताओ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।